बाहर निकलो, लाते मारो इनको। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने ये विजुअल्स जो भी देखा आपने। एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ। एंड मुझे अच्छा लगा लोग आए थे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर हैं, अमर रहेंगे ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमान न करना या उनके बारे में बुरा कहना ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और इनक्रेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है godse@gandhi.com, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल, कैन यू हियर मी और आई एम ऑडिबल? अच्छा लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार मेरे को देखने के लिए? चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और बिल्कुल विदाउट बींग पार्शल टू एनीबडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूँगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा। सेंसर भी पिक्चर हुई, दो बार सेंसर हुई और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने, जिन लोगों ने देखा। हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है और इसमें डायलॉग गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं जो अपनी किताबों में लिखे हैं वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कई लोगों ने जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी पिक्चर की, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन जाएगा गांधी जी और दीपक अंतानी में। ओके एंड उसको माइक दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम। मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का वो सफल रहेगा। थैंक यू। अच्छा अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी जो हमारे दोस्त हैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। ललित जय हिंद जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला, तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूँ और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। गांधी जी का विरोधक नहीं हूँ पर गोडसे जी का समर्थक हूँ क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय जजमेंट लोगों को लेने दीजिए, हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है, तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू ललित जी और वही प्रयास हमने किया है।
गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है जी। अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुरादाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ क्या बैन करोगे? अरे हिंदू का बच्चा हूँ क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ पिक्चर में? एक सेकंड देखो, शांति, एक सेकंड। हाँ जी मैं मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। हाँ ठीक है जी। अरे निकालो लोगों, बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, प्लीज 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 शांत रहिए, प्लीज शांत शांत हो जाइए, बोल दिया। प्लीज प्लीज जरा शांत, जरा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ साहब मेरी नहीं चलेगी, आप दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है ओके, दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे और अमर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पॉर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया उसके हिसाब से, उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके, मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी, किस बात का डर था? वो सुन लेते थे लोग, जाना सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है, और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पर ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखे पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम, यही मेरा प्रयास था। और मैं समझता हूँ ऐसे फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए, वो गलत है सही पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री He was very moved, he was very disturbed कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए, अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहाँ से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ, मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल,
मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे, व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूँगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मज़ा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी तब उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं तो मैं दिल से आप सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। मैं कतराऊँ, गलती नहीं करूँगा मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं बेशक मैं मान लूँगा गलती, अपने माफ़ी मांगूँगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान है, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है, और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज़ कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद आया? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी, अब मेरा करियर आप देखिए ना, ग्राफ घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी, अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल छोड़ेगा नहीं घायल, लेकिन मैंने उसके बाद भी दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है, मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना, वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है, कॉमेडी प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस पुलिस आर्मी चाहिए करके, और सच बोलने के लिए क्या डरना, और सच जिसने से बोला चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है, तकलीफें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जो होगा अच्छा होगा वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है वो फल मिलेगा। नाथमल जी, अगर आपको चुनना हो गांधी और गोडसे में, हाँ जी, दिल से चुनेंगे से आप गांधी को या गोडसे को? वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपका इससे फ्री 1,000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उनसे, और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं, पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहाँ गांधी और गोडसे मिल रहे हैं, सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने, हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने यह जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, लेकिन दो फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे,
ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है, ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। महाराष्ट्र यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है। तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए। तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया। मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं आजकल, सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा, दैट इज ऑल द प्रपोजल इज मेड। आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नजर आए, गोडसे जी नजर आए, आम्बेडकर साहब नजर आए, तो लाइक दैट। तो वो प्रयत्न किया है स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, हिंदुस्तान के पर्दे पर इंडियन सिनेमा में। लोग कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है, वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में एक नई कोशिश है, पहले बार ये प्रयास हो रहा है। व्हाट इफ, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तन होते और किस तरह का चीज़ें चलती, और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पर क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती, क्योंकि क्लैश होता है जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ में फर्क आता है। तो वो सारी चीज़ें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ तकलीफें आ रही है, अभी भी तकलीफें आ रही है, जैसे ये कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हो है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं, हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से, मेरी फिल्म लोगों तक पहुँचे। तो फिर मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिल्म देखने से पहले कोई ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज डोंट मेक एन ओपिनियन। मैं सिर्फ यही इंतजार करता हूँ फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना नारे लगाइए एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने वारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।